जमला माई दावण जा जमला माई जावणो ने जागे रावणी मा हो जी रूपा गुरु सुअर्ज करे गुरु मारे सामी भा सत्संग है। और जो संतोरी संग में आया वे तो पार लग गया, जो संतों से दूर रहे वे डूब गया। तो भगत और जगत रे बेर ऐसा, कोई 18 साल रो बेटो बड़ो करणियो कहे वो छोरो कह दे कि मैं तो जोग लेवण वास्ते जाऊं, तो पिताजी कह दे कि मैं थारे माते 2 लाख रुपया खर्च करिया बेटी रा बाप, यू समझो कि बुढ़ा पर सारो बनेला और तू जोग लेण हर जावे। तो भगत और जगत के मीरा ने भक्ति की तो भी दुनिया ने विरोध किया, रूपा दे जी भक्ति करी तुम्हारा पतिदेव विरोध कियो, लेकिन जब पतिदेव को भी समझ में आ गई बात की वास्तव भक्ति में तो बड़ी ताकत है, तो बस उसी का ये भजन है मैं प्रस्तुत कर रही हूं, आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। संगत करनी संतरी ने काई नुगड़ा सूखा हो जी नुगड़ा ले जावे नार जी धन संत मिलावे रा ओ जीवायक आया वो गुरुदेव राए रूपा जमले पधारो रे उगम जी महाराज एक दिन गांव में पधारया है। रिक धारू रे जम्मो राख्यो और गुरु महाराज कहो कि मारे रूपांदे जी बहुत समय हुई रूपांदे जी बैठना नहीं हुई। बोले हे धारू एक काम कर, थारे आज रे पाठ पर जो है बे रूपांदे जी ने तू वायक भेजा और आज रे पाठ पर रूपांदे जी ने भी बुला। नाचने का भजन नहीं है, आप एक आधे अंतर में नाच लेना, लेकिन वो मुझे फिर बीच में और बोलना पड़ेगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। हो जी वायक आया वो गुरुदेव, वायक आया वो गुरुदेव राए रूपा जमले पधारो रे भाई जागण में पधारो रे एक मकर ने गुरु आओ रे सूता रावण माल जागो रे सूता रावण माल जागे रे ढोलिए सांपड़ला पड़ावो रे निंदिरा मंगावो हारा है रे ढोलिए सांपड़ला पड़ावो रे ये ढोलिए सांपड़ला पड़ावो रे कोई तिरो करीने रूपा हालिया रे आया रखियो रे दरबारा रे तो आया रखियो रे दरबारा रे गड्डी ले आया है दिखे जय हो
तू नेरा मारा मुझे मारा गुरु ने गणकम मारे ये मारा गुरु ने गणकम मारे सबरे संतो नेरा मारा मुझे मारा गुरु ने गणकम मारे ये मारा गुरु ने गणकम मारे रानी रूपा दे जी छाने चुपके क्योंकि रात रात सत्संग में तो रात रात जानो पड़े और रात रात जो महल था मेरा पोलिया रे दरवाजा बंद था। रानी रूपा दे जी ने एक धर्मरो भाई तो ताको नाग अपने भाई ने बुलायो बोले भाई पिछले जन्म रो भाई ताको और मिनक नहीं वो भी सांप निंद्रा मंगावो हारा हेररी डोलिए सांपड़ला पोडावो और इतरो करे ने रूपा हालिया आया रखियो रे दरबारा। रानी रूपा दे जी रात्रा निकल और दारू रिख रहे अठे जब सत्संग थी भी सत्संग में आर अपने गुरु महाराज ने बोले सबरे संतो ने रामा राम जी मारा गुरु ने गणी खंबा। अब देखिए रानी रूपा दे जी भजन गाया रावल माल दे जी ने दो लुगाया ही एक घर में दो मता भली कठासु होय और नारी पूजे देवतार पुरुष पलिता जो मैं अर्थावनी करूं और नाच दो ही काम भेड़ा की करा ले है। हाँ सभी लोग सुनना रावण मालदेव जी ने दो लुगाया ही एक रूपा दे जी दूजी रो नाम थो चंद्रावल तो दोनों देखो सौंक ऊपर सौंक नहीं खटे हैं। तालियां बजा दो बाबा जी के लिए क्या बात है ये बस एक मुद्रा है खमा ये आनंद है जी यही तो आनंद है बुजुर्गों ने यही किया है जी बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया। आप बैठो अटीर बैठो मैं आपने खड़ा करूं। दानी रूपा दे जी भजनों में गया लारे चंद्रावल खवा जी ने लारे मेल लिया कि तू पतो लगा कठे जावे खवा जी गया जो एक मोजड़ी ऊंच का और पाछी लिया है बोले कि आ मोजड़ी निशानी है। रानी रूपांदे जी तो अपनी गुरु भक्ति में भजन गा रही है और अठी ने महिला में चंद्रावल जा रावण मालदी जी ने जगाए बोले पिया जी उठो ये तो होता हो और आज आज जो रूपांदे है बाकटी भजनों में गई है थारे मना कीड़ो फिर भी बा गई है। अब देखिए क्या हुआ अरे बत्तियों बुजोनी हारा है सुता रावण माल जागा रे हौकड़ी हेरी में होमी आविया रे रोणी कबीला हिन ग्याता रे रोणी कबीला हिन ग्याता रे। रावण माल जी तलवार ले निकले बोले कि चिंता मत कर आग तो रूपा दे बिना पूछे गई है मा तो बार दूला और इतने क्रोध कर रावण माल जी महलों नीचा उतरे आए। रावण माल जी तो अठी ने आ रहा और रानी रूपा दे जी बड़ी चिंता में लागे कि एक मोजड़ी कठे गई आई पैर और उड़बाणी जाऊं ला तो पग मंडेला और पग मंडेला तो रावण माल जी ने पतो लाग गयो या तो रिख रे घरे गई तो सुबह रोड़ो तैयार है। मन में चिंता करती करती गुरु महाराज ने याद करती करती बोले गुरु महाराज मैं तो आपरे आदेश आई हूँ अब जो भी लारे कोई भी घटना हुई है बात थाने संभालनी है मन तो बस आपरो आदेश पालनो हो आपरे आदेश की पालना में आई हूँ। गुरु महाराज बोले हाथी जोड़े ने रूपा बोली अरे गुरु मर मोजड़ी है रोनी रे गुरु मर मोजड़ी है रोनी रे
अब यू विचार करता करता रूपांदे जी जा रहा, अचानक रावण मालदे जी हमें मिल गया। तो जो ही नजर उठाई तो हम ही रावण मालदे जी घोड़े पर बैठे हैं। बोले रानी हाथ में तलवार नंगी, सही सही बताओ कठे गया। अब अचानक अपने मन में बोले कि वो तो गजब मामलो हो गयो। अचानक गुरु महाराज कैसी कृपा की, रानी रूपांदे जी मुना निकल गए। बोले हे पिया जी थाए थे तकलीफ देखी सुबह सुबह, मैं तो आपरे वास्ते बागों में फूल विड़वाने गई हो। रूपांदे जी कह दियो देखिए बात कैसे रहती है, भगवान भगतरी बात की कर रखे भगत लिखियो। अरे हाथ जोड़ी नी रूपा बोली, अरे आप रे फूल बीन बाग्या तारे, ये थारे फूल ले बनने जा तारे। एक वेरा बड़ी रूपा सांबड़ो रे दानी फूल कटा सुलाया रे, ये रानी फूल कटा सुलाया रे। रावण माल दी जी कई और जवाब पाछो त्यार, बोले फूल कटू लाया वो तो मालानी है अठे तो धोरा ही धोरा पानी कोनी है। और थे रावण मालदेव जी जब थाली में देखो तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई, मित्रों भगवान ऐसी कृपा कर दी कि रावण मालदेव जी ने भगवान आख्या पर एड़ो भ्रम करियो कि खाली थाली में रावण मालदेव जी देखे तो फूलरो बाग लागोड़ो, रावण मालदेव जी देखे तो फूलरो बाग लागोड़ो। रावण मालदेव जी अचिमित हो गया, बोले फूल। रावण मालदेव जी ने अंदरों मन परिवर्तन हो गया, बोले कि इन कने कोई न कोई शक्ति है। बाकी थाली खाली नाना प्रकार का फूलरो बाग दिखायो है। रावण मालदेव जी रो सारो मन में जो अभिमान थो वो सारो गड़ गयो। बोले रानी इतनी बड़ी भक्ति है कहीं थारी, तो बोले आ तो भक्ति मारे ही करनी, आ तो भक्ति मारे ही करनी। माता मीने भक्त लोग सब बैठे हो, दुनिया में आदमी भले कितो ऊंचो बड़ियोड़ो फिरे, कितो अंदर गुब्बारो वे जो फूली जोड़ो फिरे, लुगाया हूं धनी अच्छा ना नहीं है। कई लोग हंस गया, खुदरी बीती बात याद आई है, घना हसे मामे घनी बीते क्या धर्मो जी की कर थे की कर हंस लिया हो। लुगाया आदमी भली मोटो मोटा स्टेज माते ऊंचो ऊंचो भाषण दे, भली भजन गाओ और भली नेतागिरी करो कलेक्टर हो, पर घरे जावे जो मुंडो नीचो गाल जानो पड़े। रावण मालदेव जी ने जब ये बात करी कि मारे भक्ति करनी, रानी रूपांती जी बोले ओ आदमी भक्ति करेला, क्योंकि इन्हें तो अपने घोड़े रो मद, इन्हें तो अपनो ठाकर होने रो राजा होने रो मद, इन्हें तो अपने अपनी ताकत रो बल, इन्हें तो अपने सोना चांदी रो बल इतनो मद, अपने सुंदरता रो मद, इतने तो लुगाया रो मद, भक्ति नहीं कर सके। फिर भी रानी रूपांती जी परीक्षा करी, बोले कोई बात नहीं, अरे मन में बात आई है तो एक बार परख लो, और ये परख में सच्चा निकल जाओ तो शायद कदा कोई जिंद को जमारो अपनों भी सुधर जा। ये हदे यदि तलवारा काटे, हदे हदे बात बात पर तलवारा काटे है तो अपने कहीं करना, एक बार कोई परीक्षा ले लो, बाई चांस मन बदलो है तो अपने तो कम से कम शांति आगे हूं तो माता पची नहीं कि कटे गया था। तो देखो चार सवाल किया है दुनिया में, चार चीजा भक्ति वास्ते रोके, और रावण मालदेव जी की परीक्षा करने वास्ते रानी रूपांदे जी चार सवाल रावण मालदेव जी ने किया। बोले हे पिया जी, अरे पहला मारो रे मोबी दीक डो रे, पछे हंसा वालो घोड़ो रे, पछे हंसा वालो घोड़ो रे, एती जो मारो रे गौरो बाच डो रे, चौथी चंद्रा वन रानी रे, चौथी चंद्रा पछे पंथड़ लो पताबू रे हो जी। बोले पहला मारो मोबी दीकरो, पछे हंसलो घोड़ो, तीजो मारो गौरव बाछड़ो, चौथी चंद्राबल रानी। पहला पुत्र रो मोह हट्यो कि नहीं हट्यो, क्योंकि आदमी अपने पुत्र बेटा बेटी रे मोह में आदमी कई बार। दूजो मारो
थारे जो मद है के मारे सवारी अड़ी है। तीजो मारो गौरव बाछड़ो यानी दया भाव है कि नहीं मन में, दया उपजी कि नहीं उपजी, क्योंकि दया बिना तो भक्ति नहीं है। और चौथी चंद्रावल रानी की दुनिया का भोग जो है भोग बन उठ्योड़ो है कि नहीं उठ्योड़ो है, क्योंकि यदि संत बन गया और यदि भोग में दुनिया रो जीव रह गयो तो बे संत भी कोई काम नहीं आया। तो चार चीजा की परीक्षा करी रावण मालदेव जी ने, समझ में तो आई नहीं, पर बा जो हुरापो चढ़ेड़ो हो तलवार हाथ में थी बोले तू कह तो ये हंसलो घोड़ो टी बाड़ दू लाल घरे आल थारे हाँ में कर दे। रानी रूपांती जी समझाए बोले पिया जी ये कोई जीव हत्या करने कोई भक्ति थोड़ी वेला, आपने मन में जो अभिमान है ना इन चीजों के प्रति, जो मन में हिया में इन्होंने प्रति लोभ है, जो माया है, जो ममता है, वह ममता ने मार दो तो ममता रे बाद में जो मारने रे बाद में जो आगे पाउंडो भरोला वह सीधो रसीदो भक्ति की तरफ भरी जेला। अब देखिए किस प्रकार समझा, बड़ो अच्छा वजन है। बोले हे पिया जी ए अरे होई जावो संत सुधारो थारी दायादी। एक बार दोनों हाथों उठा के थोड़ा तालियों से माहौल बना लो। अपने धनियों रा मार्ग छीना बोरा बड़वा होई जावो संत सुधारो थारी दाया जी। अपने धनियों रा मार्ग छीना बोरा बड़वा ये हम जोड़ा वो को रथ खोड़ो ने धी महा रावण होई जावो संत सुधारो थोरी काया ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया भरिया जी। तेरुड़ा रो थाक नहीं आयो रावण मा ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया जी। तेरुड़ा रो थाक नहीं आयो रावण मा कड़वारी नीम निमोला जारी मीठी कड़वारे नीम निमोला जारी मीठी जी। अरे कुन नर मिसरी मेला कुन नर मिसरी मेलाई है वो रावण मा होई जावो संत सुधारो थारी ताया जी। हो बेट हतायो माल जी झूठ मती बोलो जी। ए पत पोतारे वाली जावे है वो रावण मा बेट हतायो माल जी झूठ मती बोलो जी। पत पंचों में थारी जावे है वो रावण मा उजड़ खेतों में माल जी बीज मती भावो जी। कोई कहे कि डूंगर में खड़ो तो धान वेला नहीं वेला। संतों ने कहा है कि बीज खेत में बावड़ो खारस मत बाओ, बीज बीज खेत में बावड़ो और खारस मत बावो, किनोड़ी कमाई आड़ी आवसी गाड़ा भर लावो। मारा सतगुरु हेलो मारियो सुतोड़ा जागो और हुरो पुरो रो खेलनो कायर हो तो भागो। बोले हे पिया जी थाने भक्ति करने वास्ते सिर्फ एक आदमी रो पतो लगाओ
कि कड़वारे नीम और निम्बोलिया जारी मीठी कुण नर मिश्री मिलाई। नीमड़ा रो पेड़ खारो है, कोंपड़ा खारी है, तो निम्बोली मीठी की किकर हुई, पर निम्बोली मीठी कुण बनाई आप तो बस ये पता लगाओ, ध्यान लगाओ। सच बोलो, झूठ मत बोलो। घररी तो अब अंत में सबसे बड़ी बात क्या बोली, अरे घररी तो खांड तर करी लागे, गुड़ तो चोरी रे बाड़ो मीठो बोरावल मां, घररी तो खांड तर करी लागे जी। क्योंकि घररा तो घट में घोर अंधेरो, और पर घर दिवला कहीं जुवे। घर रातो घट में घोर अंधेरो, पर घर दिवला है, बोले दुनिया में ओ फूट रो है, तो पहला घर ही देख लेनी भाई है। घर री तो खांड पर करी लागे जी, गुड़ तो चोरी रे वालो मीठो रावण मां, पराई नार आंगणिये बीची उबी जी, बेनड़ के बतिड़ावो रावण मां, होई जावो संत सुधारो थारी काया जी, ओ जी। अरे छेल चतुरी रंग रसिया रे भवरा, छेल चतुरी रंग रसिया रे भवरा, पर घर प्रीत मत की दे, ओ पराई नारिया नैन कटारी रूप देख मत दीजे रे भाई मारा, पर घर प्रीत मत कीजे, हाँ। अंत में रावण मालदी जी ने बेशब्द बड़ा काम आया था, क्योंकि तो लागी लागी सब कवे, लागी नहीं लगा, और लागी हरी रे नाम री वा भाई कड़े जे। रावण मालदी जी उसी दिन सारा अस्त्र शस्त्र त्याग कर नाथ संप्रदाय में भक्ति करी, और आज भई रावण मालदी जी मलिनाथ जी नाम अपने पूरे हिंदुस्तान में नाथ परंपरा में बड़ो ऊंचो नाम है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोल दो, बड़े मलिनाथ जी महाराज की। अंत में दोई करी जोड़ रानी रूपा देवी बोलर बोले जी, धनियों ने समझाया वो रावण मां, तुई कजी जोड़ रानी रूपा दे दी बोले जी, अपने धनियों ने समझाया वो रावण मां, होई जावो संत सुधारो खाली काया जी। ओ जी, ओ जी, ओ जी। बोले भक्त वत्सल भगवान की।